गांधी जी हमारे हमारे मित्र ने सवालों का झड़ी लगा दिया कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है, जनता जनार्दन बायस हो जा रही है, धार्मिक रूपे वो हो जा रही है, धर्म के आधारित वोटिंग भी कर दे रही है, मतदान भी कर दे रही है और कांग्रेस को भगा भी दे रही है। देखिए 500 साल पुराना इतिहास है, अगर हम बहुत पीछे ना जाए तो 1949 से 2023 में भव्य राम मंदिर जी का निर्माण हो रहा है राम जन्मभूमि पे, और ये आरोप कौन लगा रहा है ये जरा सा समझने की आवश्यकता है। जनता भी समझे इस बात को कि वकीलों के फौज के साथ बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए खड़ी रहने वाली कांग्रेस, और आज भी इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है गांधी जी कि जब हम आएंगे तो बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और हमसे पूछते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तो अनिल जी 22 जनवरी है तारीख, जरूर जाइएगा दर्शन करने। अभी बात आप लोग कर रहे थे शंकराचार्य जी की, शंकराचार्य जी का सम्मान करते हैं हम, बहुत आदर के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आप ही के इंडी गठबंधन ने दंडों से पीटा था वाराणसी के सड़कों पे, उस समय शंकराचार्य जी कहाँ थे, किस पद पे थे, उस समय आपको आस्था और सम्मान नहीं दिख रहा था। बात मात्र ये है गांधी जी कि ये राम जन्मभूमि का बनना, निर्माण होना, राम प्रभु राम लला का जो 22 तारीख को वो हो रहा है गृह प्रवेश, समझ लो आप कि गृह प्रवेश हो रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। देखिए तमाम आस्थाओं को परंपराओं को दरकिनार करके लगातार सनातन संस्कृति पे हमलावर कांग्रेस, ये अभी सनातन संस्कृति की बात करते हमारे मित्र, इन्हीं के एंटी गठबंधन और खड़गे जी के लड़के ने क्या कहा, सनातन को समाप्त कर देंगे। उस समय अनिल सिंह चौहान जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बात यह है तुष्टिकरण में आज भी 21वीं सदी में कांग्रेस पार्टी गत में चली गई तुष्टिकरण के कारण, लेकिन आज भी इनके नेता सुधर नहीं रहे। आप बात करते न्याय यात्रा की, ये न्याय यात्रा नहीं है गांधी जी, ये एक बार फिर से राहुल गांधी को लॉन्च करने की यात्रा है। प्रदेश की जनता और देश की जनता ने न्याय किया, अभी प्रदेश की जनता एक महीने पहले आपके साथ न्याय की है, आप भूल गए क्या इसको, इतना अन्याय किया आपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में, उसके बाद भी आप बोलते न्याय यात्रा। गांधी जी एक चीज समझिए, महाभारत के कालखंड में भी गुरु द्रोण और भीष्म पितामह कौरवों के साथ थे, लेकिन प्रभु कहाँ थे। और ये बात इतनी नहीं है कि आप राम को आराध मानते हैं कि नहीं मानते हैं, अरे आप राम के करीब जाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये तय तो करो। चलो इसमें विलंब हो गया, प्रभु कृष्ण के चरणों में अभी आ जाओ या ज्ञान वापी में आ जाओ, बाद में मौका नहीं मिलने वाला, अभी तो बोलो कि आप साथ में हो कि नहीं हो। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल एक आपके साथ रखना चाहता हूँ, बाबरी विध्वंस पे आप किधर खड़े हो, इस साइड या इस साइड, इसका भी जवाब दो आप अनिल सिंह जी। चलिए कौन किधर खड़ा है इस पे जनता को छोड़ देते।